आप देख रहे हैं JT7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। इस समय मैं उस जगह पे आया हूँ। मैं अपने कैमरा मैन से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा कैमरा घुमा के मैं इस समय उस जगह पे मौजूद हूँ जो कटली मोड़ जो है, कटली मोड़ पे मौजूद हूँ जो टर्न कटली के लिए जाती है। थोड़ा मैं कैमरा मैन से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा व्यू बताइए बाहर वाला, ये उसके बाद में आपको मैं तफसील बताऊंगा कि मैं किस जगह पे मौजूद हूँ। और इस समय मैं मौजूद हूँ कटली मोड़ पे, जहाँ से कटली टर्न गाड़ी होती है कटली के लिए। और मैं आज यहाँ एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ। रेस्टोरेंट जो है वो नया नया खुला है और आप बोर्ड भी देख सकते हैं कि बोर्ड जो है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मैं जो दूर दराज पहाड़ी एरिए के लोग जो हैं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं जिनको पेट भर के शहर के अंदर जो है वो खाना नहीं मिलता है, और यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पेट भर के आप लोगों को खाना मिलेगा, रेट भी कम होगा और अच्छी अच्छी वैरायटियाँ होंगी जो यहाँ के जो खाना बनाते हैं। हम उनसे भी, किचन मास्टर से भी बात करेंगे। मैं आपको तफसील बताऊँगा कि यहाँ पर आपको खाना जो है पेट भर के, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में खाना जो है वो 50 रुपये का आपको मिलेगा। जी भर के खाना और टेस्टी खाना जो होगा यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। और जो मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे वो मल्हार के लोग हो, चाहे कटली को हो या इच्छु मलाड़ के हो, दमाण के हो या मछेडी के हो, जो भी इस रोड पर गुज़र रहे हैं, तो हमारे वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि यहां पे आइए। मैं आपको इस जो रेस्टोरेंट है यहां की तस्वीरें मैं भी आपको अंदर की दिखाऊंगा, साफ़ सफाई और यहां के जो किचन मास्टर हैं जो यहां पे लड़के काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जो मेरी गरीब आवाम है, आप लोगों को कोई ये बताएगा नहीं कि कहाँ पर ये होटल है। ये रेस्टोरेंट जो है ये कटली मोड़ पे है। कटली मोड़ पे आप आइए और जी भर के अपना पेट का खाना खाइए, और वो खाना भी आपको 50 रुपये में मिलेगा। आप हैं समय गैलेक्सी रेस्टोरेंट के पास और यहाँ के शेफ़ हम इनसे बात करते हैं। यहाँ आप क्या क्या आइटम्स को तैयार करते हैं, आप थोड़ा हमारे जो कस्टमर हैं उनको बताइएगा। हम यहाँ पे जैसे कढ़ाई पनीर हो गया, चिली पनीर हो गया, कलाड़ी कुलचा हो गया, न्यूट्री कुलचा हो गया, और छोले कुलचा, टिक्की कुलचा, बर्गर, नूडल्स, मोमो, स्प्रिंग रोल, ब्रेकफास्ट भी है। अच्छा, जो ब्रेकफास्ट होती है उसमें क्या आप उसको लेके चले हैं, ब्रेकफास्ट में क्या है और वो कब तक, टाइमिंग क्या है आपकी, आप थोड़ा टाइमिंग कब बताएं। हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है 9 बजे से लेके 12 बजे तक। ठीक है, और जो नाइट का है, शाम का टाइम, क्योंकि शाम के टाइम जो है यहाँ थोड़ा
लोग जल्दी जो है सारी ढाबे वगैरह जो है उनको बंद कर देते हैं, तो आपका क्या टाइमिंग है, आपका गैलेक्सी रेस्टोरेंट का क्या टाइम है यहाँ बंद करने का? 9 बजे स्टार्ट है, 9 बजे बंद है। यानी सुबह आप 9 बजे सुबह स्टार्ट करती है और रात को 9 बजे तक आपको यहाँ खाने पीने के लिए जो जो भी यहाँ आइटम्स तैयार होती हैं वो आपको यहाँ मिल सकती हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय JKUT7 को दिया। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लड़के, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बनता है और इन्हीं से हम बात करते हैं। सबसे पहले JKUT7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? साहिल कुमार जी, आप मुझे ये बताइए कि आप इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे बनता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो इस समय आप क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन सी आइटम बनाते हैं आप? तो कितने बजे, आप मुझे ये बताइए आपका रेस्टोरेंट जो है कितने बजे सुबह खुलता है? समय मैं उस रेस्टोरेंट की आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर आइटम बनती है। और ये कटली मोड़ पे, जहाँ कटली से कटली के लिए गाड़ी घूमती है और वहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, मैं इसकी अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको मैं ये तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ की साफ़ सफाई जो है, यहाँ पे आपको हर आइटम मिलेगी। ये और यहाँ पे कस्टमर हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं।